अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम सर जी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। और ये अभी पहला काम आज करना है कि हमने कपड़े चेंज करने हैं और कुछ सेटिंग करनी है अपनी। हाथ मुँह धोने, हाथ मुँह तो धोया हुआ, लेकिन फिर से सेटिंग, कपड़े शपड़े चेंज करते हैं और फिर चलते हैं बाहर शॉप के लिए। और मस्त माहौल, मीठे चौल भाई सब बैठे हुए। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह नहा लू कि अभी हम बैठे हुए यहाँ बैठे हुए हैं और मस्त इंतज़ार कर रहे हैं बाबर भाई का कि कब वो फ्री हों और जाएं शॉप के पीछे और उसका जो काम श्याम है वो कराएं। तो आई थिंक वो सुबह गए तो थे और देख के आए, तो फिर से अभी जाना है इंशाल्लाह। तो देखते हैं कब तक जाते हैं भाई। और यही आजकल ब्लॉग है हमारा, सिर्फ इस खिड़की में बैठ के। ठीक है ठीक है। तो जी हाँ जी, अभी हम जो फ्री हो गए और अभी हम जा रहे हैं कारोबार करने रोज़ की तरह। और आज हमारा छोटू उस्ताद भी साथ जा रहा है, हमजा भाई, और ये हमें बताएगा कि भाई कैसे कारोबार किया जाता है। क्योंकि भाई जो बंदा काम करने वाला था वो आया ही नहीं है। हम आए, हमने कहा भी काम बहुत सारा होगा तो उसने अभी तक शुरू ही नहीं किया। तो अभी हम फिर से वापस जा रहे हैं, इसको स्लाइम लेके देते हैं और घर चलते हैं भाई। हो रही है किसे देखे, अबू को देख, चाची यार बहुत साल है, देखो बच्चे को रुला रहे हैं। आ जाओ आ जाओ बेटा, बैठ भाई बैठ बैठ बैठ, हर वो जा रहे हैं चाचू। ये बेचारी क्या बोलते हैं, अपने दादू अब्बू की इंतजार कर रही है। हाँ क्या हुआ, चले गए ना, नहीं लेके गए दुआ दुआ। और ये दोनों लड़ रहे हैं और नहीं, अभी जिम जा रहे हैं भाई, जिम जा रहे हैं, खत्म हो जाएगा ये। एक मिनट ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, मैं ऐसे हो जाऊंगा जिम से। हाँ तेरी खैर हो, हाँ फिर मैं ऐसे चला सकूंगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर। हाँ वो बाबर से ही कर रहे हैं। ये लो अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हम पहुँचे हैं सब एवेन्यू पे और यहाँ टैक्सेस चिकन पे और चलते हैं अंदर। वो कहाँ गया भाई, व्लॉग बना रहे, व्लॉग चले हम अंदर चलते हैं। डीडी भाई गया। तो जी ये ऑर्डर किया हमने और साथ में ये लिया है मायो और चेंज भी ले लिए। अभी चलते हैं नीचे क्योंकि बाबर और दिलबर भाई नीचे पहले चले गए और मेरे ऊपर हंस रहे थे कि भाई पैसे तुमसे ले रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, खाने पीने का कोई मसला नहीं। ये अभी टैक्सा खाना शुरू। हाँ सर होए 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 होए, ये तो डालने की जरूरत ही नहीं है इफेक्ट्स वगैरह। जी सर क्या बोल रहे थे आप, ये जो मेरे वो सब तुम्हारे और ये रैप ये भी आपके। हाँ चले हम गुजारा कर लेंगे। हाँ डीडी भाई, डीडी भाई गुस्से में क्यों है आज, ये होते हैं जिम। देखें जिम करके आते हैं, कैलोरीज बर्न करके फिर कैलोरीज खाने आ गए। वाह 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 वाह, अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा के अभी वापस आ चुके और अभी जा रहे हैं। डीडी भाई आपकी रील तो नहीं बनी, आपकी रील तो बनी नहीं, उधर खाना मार्केट में बनाते हैं। चलो तो जी, बाबर चला गया था और मैं और दिलबर बैठे हुए थे, जफर भाई को मिल रहे थे तो मिल लिया। अभी मैं भी घर जा रहा हूँ और दिलबर भाई भी आ रहे हैं, तो मुझे कुछ थोड़ा सा इशू हो गया इसलिए मैं जल्दी भाग भाग के अभी घर की तरफ जा रहा हूँ। चाबी हमजू घर बैठ बैठ के अभी हम जा रहे हैं डीडी भाई के साथ और ये आईफोन लेने जा रहे हैं भाई। कल मुझे कमेंट आ रहे थे ना आईफोन ले लो, तो जा रहा हूँ मैं आईफोन लेने भाई। तो चलते हैं आगे चल के आईफोन को देख के यहाँ पे लगाएंगे, हाथ लगा के वापस आ जाएंगे जी। आ गए हम बुखारी पे, छोटा बुखारी या बड़ा बुखारी वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ भी रुके हैं और डीडी भाई ये रुका हुआ है, तो हमारे जो जफर भाई आए हुए हैं तो उन्होंने फिर मोबाइल लेने, तो चेक वगैरह करके देंगे हम, टेक्निकल गुरु जो है ना वो, तो अभी चेक करके उनको देंगे और देखते हैं क्या सीन होता है आगे। भाई हमें तो समझ नहीं आई मोबाइल की, 73% बैटरी टाइम था और बैटरी हेल्थ उसकी बची हुई थी, तो मुझे तो समझ नहीं आया। बाकी देखते हैं अभी, बाकी जो है ना वो अंदर खड़े हैं वो देखते हैं क्या सीन होता है। तो जी मोबाइल तो किसी को समझ नहीं आया, लेकिन अभी ये जफर भाई का जो चैनल है ना इसकी थोड़ी सी सेटिंग करनी है और वो करते हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं हम घर जाएंगे। मैं जफर भाई सीखा मोबाइल पकड़ना, मोबाइल व्लॉग के लिए कैसे पकड़ते हैं सीख लिया,
ऐसे हाथ को थोड़ा आगे कीजिए, हाँ ऐसे ऐसे इंशाल्लाह। सपोर्ट ही नहीं कर रहा ना फिर? नहीं नहीं इंशाल्लाह। क्या नाम है आपके चैनल का? जफर इकबाल ऑफ मेरा खानपुर। हाँ जफर इकबाल ऑफ मेरा खानपुर, अपना खानपुर। हाँ अपना खानपुर। तो इनको जी सपोर्ट कीजिएगा हमारी तरफ से, इनको सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और अभी हमने इनके जो चैनल का सेटिंग वेटिंग थी वो भी कर दी है और सारा कुछ हो गया, तो चलते हैं अभी आगे और आगे चल के फिर आपको आगे का भी सीन दिखाएंगे। तो जफर भाई और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस व्यूवर से यही दरख्वास्त है जी जी, अगर मेरी शक्ल आपको अच्छी लगे जी जी। यार मैं वैसे लगता तो अच्छा हूँ सबको, लेकिन तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट है मेरी कि जफर इकबाल और मेरा चैनल, मेरे चैनल का नाम है जफर इकबाल और मेरा खान पर भी लोग। तमाम व्यूवर से मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। दुआ बेटा चल रहे हैं हमारे साथ? नहीं तो जी अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? सामान का पता करने जा रहे हैं, बाबर भाई की शॉप का सामान जो लेना है जी। बाबर भाई सुनाए सामान कैसा लगा? यही था जैसे मुझे नींद आई सामान यार वो देखना पड़ेगा, दुकान जो है ना छोटी है, उसका जो हमने देखी थी वो देखा बहुत बड़ी है, चौड़ाई में कुछ ज्यादा ही थी। हाँ चौड़ाई में भी ज्यादा थी, एक दो चीजें थी वो फ्रायर जो था। हाँ वो एक दो तीन चीजें, एक दो चीजें थी जो ले लेंगे, बाकी नहीं बनवा लेंगे। और सुनाए क्या क्या मसले आपको दरपेश आ रहे हैं ये ब्लॉग्स और शॉप के दरमियान अभी जो आप फंसे हुए हैं? बहुत ज़्यादा मसले पेश आ रहे हैं, ब्लॉग भी नहीं बन रहे ऐसे ना। सीन ये है ना कि अभी दुकान के चक्कर में ब्लॉग नहीं बन रहा और ब्लॉग के चक्कर में दुकान नहीं बन रही है। बंदा बोलता है यार चलो ब्लॉग बना, तो फिर पूरा दिन बैठ रहे थे कि भाई अभी वो बुलाएंगे हम दुकान शुकान का काम वाम कर देंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ लेते देते बन जाएगा, नहीं होता। फिर उनके पीछे भागो, फिर ये टेंशन, जब घर आओ तो फिर सब बोलते हैं हाँ भी मिल गई, एक ये बात सुन के चुप करके बैठे और टोपियाँ ही हो रही हैं हमारे साथ तो रोज कभी बोलते हैं ये आज देंगे। ये होता है ना कि वो जैसे हमारे से रहकर जू देर जू खैर है, इतनी देर उतनी खैर, शायद यही सीन होगा। हाँ यही सीन होगा, तो इंशाल्लाह सुबह सुबह उम्मीद है ना। हाँ उम्मीद है, असल में ना मैं भी जिद कर गया इसी दुकान के लिए। हाँ ये भी दुकानें तो और भी बहुत सारी, हाँ दुकानें तो बहुत सारी थी, बस हम जिद कर गए कि भाई यहाँ कर गए कि भाई अब यही लेने तो यही लेने। हाँ और काम भी यहाँ आना जाना, लोकेशन अच्छी थी। हाँ ये है ना लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि रात के एक बजे हम गए थे ना अभी थोड़ी देर पहले, अभी भी वहीं पर, अभी इस टाइम और भी ज़्यादा। हाँ अभी इस टाइम और भी ज़्यादा, अभी तकरीबन क्या टाइम हो रहा है, 3 का टाइम हो रहा है। जिस टाइम दुनिया सो जाती है इस जगह पे ना उठ के आती है। हाँ रौनकें होती हैं वहाँ, तो इसी वजह से दिल बाबर भाई जो है ना जिद कर गए हैं कि भाई यहीं शॉप खोलनी है। तो सुबह तो पक्की बात है ना कर लेंगे, रोज हम बोलते हैं सुबह इंशाल्लाह हो जाएगा। हमारे ऊपर तो नहीं है वो, उनके असल में शॉप जो है ना पूरी है, तो हम उनसे हाफ ले रहे हैं, उनको जब तक वो अपनी हाफ क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम लोग। हाँ यानी दो शटर हैं, एक शटर वो हमें क्लियर करके हाँ, देंगे वो हम रखेंगे। चलें जी, इनका 3:30 का टाइम हो रहा है अभी, तो थक हार के सारा दिन यहाँ वहाँ भाग भूक के, तो अभी करते हैं ब्लॉग को एंड। और एंड करने से पहले भाई मैं जिसको भी मिलता हूँ ना तो एक बात वो ज़रूर बोलते हैं, बोलते भाई वीडियो में तो इतने मोटे लगते हो और ये वो, तो भाई इतना मोटा हूँ नहीं। तो इरफान भाई ने भी मुझे ऐसे कहा था, बोला यार वीडियो में तो आप बहुत मोटे लगते हो, और उधर गए थे ना उधर भी बहुत लोगों ने, और वो अपनी डेली व्लॉग वाली वो जब आई थी दिल पर लोगों, भाई बोलती वीडियो में तो बहुत लंबे चौड़े और ये चीज लगते हो और मोटे लगते हो। मैंने कहा नहीं भाई बहुत ही कम, दिलबर बाबर से बहुत ही वेट में बहुत कम हूँ भाई, हाइट में भी कम हूँ, तो ये थीन चल रहे हैं। तो आज ये मेरा ऐसे समझे रिश्तेदार ही हो गया जफर भाई, ये बोल रहा था, मैंने समझा शायद मेरी तरह कोई हट्टा कट्टा बंदा होगा, तो बोलते हैं आप तो बिल्कुल विचारड़े से, हमारा एक लफ्ज़ है यानी छोटे से थे, बोलते वैसे हो। मैंने कहा हाँ भाई ऐसा ही हूँ, तो बहुत थक गए भाई आज ये शॉप के चक्करों में, कभी इधर कभी उधर, ये जो भाग दौड़ चल रही है ना, और भाई कोई मसला हल ही नहीं हो रहा। तो आज हम बड़े मज़े से बैठे हुए थे, हमने कहा अभी जाएंगे शॉप का काम वगैरह हो गया होगा और मस्त जाके अपना कुछ सेटअप करेंगे और सोचेंगे, लेकिन सीन ये हुआ कि उन्होंने भाई कुछ बनाया ही नहीं, सारा दिन ऐसे ही हमारा ज़ाया हो गया। तो सुबह का उन्होंने पक्का बोला है, तो उम्मीद करते हैं सुबह ये मसले हल हो जाएँ और जल्दी जल्दी काम पर लगें और काम स्टार्ट करें, क्योंकि जिस वजह से आया था क्योंकि बाबर भाई ने बुलाया इसी वजह से था कि भाई आओ शॉप की सेटिंग करनी और एक साथ करते हैं, क्योंकि वहाँ भी जो था ना यही शॉप्स के चक्करों में ही मदीना में भी रहा हूँ, लॉन्ड्री की और ये होटलिंग वगैरह की, वहाँ
जो है ना सेटअप बहुत सारे किए थे मैंने, वो नसीब की बात है कि वहाँ से वापस आ गए, चले बहुत लेकिन वापस मैं आ गया, ये हुआ। और चले तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।